तो नवनिर्वाचित गृह मंत्री अमित शाह अपने दफ्तर पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए अमित शाह अपने दफ्तर पहुंच गए हैं और अब वो पहुंचकर कार्यभार संभालेंगे। देश के गृह मंत्री उनको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी वो बाहर हैं, लेकिन अब वो अपने दफ्तर पहुंचेंगे जहां पर वो अब बैठकर देश का गृह मंत्रालय संभालेंगे। तो ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। जब अमित शाह, कल ये खबर आई कि अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है, उसके बाद अब ये कार्यभार संभालने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे हैं। नॉर्थ ब्लॉक में दरअसल दफ्तर होता है, गृह मंत्रालय होता है, जो नॉर्थ ब्लॉक में ही होता है, राष्ट्रपति भवन के पास में। तो वहां वो पहुंचे हैं और अब वो कार्यभार संभालेंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, अब अमित शाह पहुंच चुके हैं, तमाम चुनौतियां उनका इंतजार इस दफ्तर में कर रही हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब अमित शाह के कंधों पर है, बीजेपी के बाद। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब से एक मिनट पहले सपना जो है अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे। आज भारी सुरक्षा के बीच अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो गेट पर ही उन्हें फूल देकर उनका स्वागत किया है। और अब इसके बाद जो है अमित शाह जो है पूरी सुरक्षा के बीच में वो अंदर चले गए हैं पदभार ग्रहण करने के लिए। जो औपचारिकताएं होती हैं, एक फाइल पर साइन करना होता है, उसके बाद जो है बतौर गृह मंत्री उनका जो कार्यकाल है वो आज से शुरू हो जाएगा। इससे पहले कल जो मोदी सरकार की कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में भी अमित शाह मौजूद थे, ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे थे। और अगर देखा जाए तो अमित शाह के सामने जो है बतौर गृह मंत्री कई सारी चुनौतियां हैं। जी, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो पिछली सरकार में भी रही हैं और अब देखना है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जिस तरीके से वो संगठन को मजबूत करते हुए चल रहे थे, क्या किस तरीके से वो अब देश का गृह मंत्रालय संभालने वाले हैं। जी बिल्कुल, उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं जिसमें कि प्रमुख तौर पर जो है कश्मीर में धारा 370 जो हटाने को लेकर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बातें कही हैं, सेक्शन 35A हटाने को लेकर जो मैनिफेस्टो में बात कही है, कश्मीरी पंडितों को वापस। ललित, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे अपडेट लेंगे। ये देखिए, ये वो कुर्सी जहां पर गृह मंत्री बैठते हैं और यहां से बैठकर वो देश का गृह मंत्रालय चलाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक जहां पर गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का दफ्तर होता है, तो अब अमित शाह बैठ चुके हैं उस कुर्सी पर, यानी कि देश का गृह मंत्रालय अब अमित शाह के हाथ में आ चुका है। बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी और इतनी प्रचंड बहुमत मिली है, उसके बाद में अब देखना है कि क्या अमित शाह उन्हीं चुनौतियों को कितनी मजबूती से लेते हैं जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाकर वो चले हैं। इतनी प्रचंड बहुमत उन्हीं के अध्यक्ष होने पर मिली है, क्या अब वो गृह मंत्रालय संभालने के बाद तमाम जो चुनौतियां उनके सामने इंतजार कर रही हैं, भले ही वो कश्मीर का मुद्दा हो, धारा 370 हो या 35A हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और बहुत सी घटनाएं ऐसी देश में होती हैं जिनको गृह मंत्रालय को संभालना होता है। अब देखना होगा कि अमित शाह कितनी मजबूती से ये मंत्रालय संभालते हैं। तो औपचारिक तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दफ्तर संभाल लिया है, ये कुर्सी संभाल ली है और आज से अमित शाह इसी दफ्तर में आपको नजर आएंगे और यहीं से अब वो देश का गृह मंत्रालय संभालने वाले हैं। जी ललित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। औपचारिक तौर पर अब संभाल लिया है उन्होंने और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कश्मीर का मुद्दा किस तरीके से हल किया जाए। तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने संवाददाता के पास जाने की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री, नए देश के गृह मंत्री वो अब अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में स्थित ये गृह मंत्रालय है
राष्ट्रपति भवन के पास में दो ब्लॉक होते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और यहीं से डिफेंस भी चलाया जाता है। डिफेंस का भी तमाम जो लोग होते हैं वो यहीं बैठते हैं, और देखिए फूल देकर उनका स्वागत अब इस तरीके से किया जा रहा है। और आज के बाद से अमित शाह अब बीजेपी की कमान नहीं बल्कि देश की कमान संभालने वाले हैं, और इस तरीके से उनका स्वागत अब इस नए दफ्तर में किया जा रहा है, शॉल उड़ाकर और फूल देकर। तो उनके साथ में राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अब से उनके साथ में काम करने वाले हैं, और अब इसी दफ्तर से अब वो देश का गृह मंत्रालय चलाने वाले हैं। तमाम मुद्दे, तमाम चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। देखना यही है कि जितनी मजबूती से वो बीजेपी को संभाल रहे थे अब उतनी ही मजबूती से क्या वो देश को संभालते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनके सामने फिलहाल कश्मीर का है, जिस तरीके से ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रहा है और लगातार इस मुद्दे को बीजेपी उठाती रही है कि कश्मीर से धारा 370 हटाया जाएगा। तो आप देखना है कि अब एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में आई है और गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथ में आया है, तो क्या शाह यहां उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और जिस तरीके से बेरोजगारी दर, खुद सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी दर बढ़ा है और अब 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ा है बेरोजगारी दर, अब देखना है कि वो बेरोजगारी पर भी किस तरीके से लगाम लगाते हैं। और तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं अब देश में जो उन्हें संभालने हैं, वो चुनौतियां। तो तमाम लोग उनका स्वागत के लिए यहां पर हैं, और लेकिन इस तस्वीर के साथ में ही एक तस्वीर जो अभी उभर कर नहीं आई है लेकिन सवाल हो गया है वहां पर, एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो है कि अब अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होने वाला है। अमित शाह इतनी मजबूती से बीजेपी को संभाल रहे थे, अगर अमित शाह नहीं, जिस तरीके से अब वो मजबूती से देश को संभालने वाले हैं, गृह मंत्रालय उनके हाथ में आया है, तो अब अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होने वाला है। तमाम नामों की चर्चा चल रही है, कयास लग रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है फिलहाल। तो अब अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होने वाला है, यह भी बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें हमने सीधे आपको दिखाई नॉर्थ ब्लॉक से, जहां पर गृह मंत्रालय है और जहां से अब अमित शाह देश का गृह मंत्रालय संभालने वाले हैं। कार्यभार उन्होंने आज से संभाल लिया है, तमाम चुनौतियां उनका उस दफ्तर में इंतजार कर रही थी, वो चुनौतियां अब उनकी टेबल पर उनका इंतजार कर रही हैं, और किस तरीके से वो उन चुनौतियों से लड़ने वाले हैं, किस तरीके से वो चुनौतियां देखने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और तमाम वादे दावे जो बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में किए थे वो निभाने भी हैं। बेरोजगारी का दर खुद अब सरकार ने औपचारिक तौर पर कह दिया है कि भाई 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ा है। अब देखना है कि बेरोजगारी दर आप ही की सरकार में बढ़ा तो अब आप कैसे इसको संभालने वाले हैं। और कश्मीर का मुद्दा जो लगातार अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती रही है बीजेपी, उसको किस तरीके से हल किया जाएगा, ये दोबारा तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इस कुर्सी पर पहले आपने राजनाथ सिंह को देखा होगा, पिछली सरकार में मोदी सरकार वर्जन 1 में ये मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, जो कि अब रक्षा मंत्री हो गए हैं, और गृह मंत्रालय यहां पर अमित शाह को दिया गया है। तो जो पहले इस मंत्रालय में बैठा करते थे अब वो भी दूसरे मंत्रालय पहुंच गए क्योंकि उनको दूसरा मंत्रालय सौंप दिया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह जो अब रक्षा मंत्रालय संभालने वाले हैं। तो रक्षा मंत्रालय संभालने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। और उनका ये फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको अमित शाह की तस्वीरें दिखाई, ये दो मंत्रालय आज दो दिग्गज नेता संभाल रहे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको अमित शाह की दिखा रहे हैं जो अब नए गृह मंत्री हैं देश के। और इससे पहले हमने आपको
एक तस्वीर दिखाई जिसमें अमित, हमने आपको राजनाथ सिंह दिखाए जो अपने दफ्तर पहुंचे हैं, नए दफ्तर, नया दफ्तर, नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं जहां वो पहुंचे हैं। और ये तस्वीर अमित शाह की फिलहाल। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आपको अमित शाह दिखा रहे हैं जो गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं, नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री बनकर अब ये गृह मंत्रालय ये संभालेंगे। दूसरी तस्वीर हम आपको राजनाथ सिंह की दिखा रहे हैं जो पिछली सरकार में इसी कुर्सी पर इसी मंत्रालय में विराजा करते थे, लेकिन उनका मंत्रालय इस सरकार में बदल दिया गया है, मोदी सरकार वर्जन 2 में, और अब वो रक्षा मंत्रालय संभालने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री के तौर पर अब राजनाथ सिंह काम करेंगे। राजनाथ सिंह के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, लगातार विपक्ष सरकार रक्षा मंत्री और रक्षा सौदों को लेकर निशाना साधती रही है। वो राफेल की बात कीजिए, तमाम सौदों को लेकर निशाना साधती रही है और जिस तरीके से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ी उस पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार करती रही है। तो रक्षा मंत्रालय में भी कई चुनौतियां राजनाथ सिंह का इंतजार कर रही हैं। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दो दिग्गज नेता अपना पदभार संभाल चुके हैं, तमाम चुनौतियां उनके दफ्तर में उनका इंतजार कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।